साथियों, लैपटॉप खरीदने से पहले एक सवाल आता है बजट का, कि आपने 30,000 का लैपटॉप लेना है, 35,000 का, 40,000 का, 45,000 का, जो भी आप बजट तय करते हैं। आपने बजट तय कर लिया और आप लैपटॉप खरीदने चले गए। रास्ते में आपने सोचा कि यार हम डेल का लें, लेनोवो का लें, एचपी का लें, और चलते चलते आपने ये भी डिसाइड कर लिया। दो कन्फ्यूजन आपके दूर हो गए कि हमने चलो डेल का ही लेना है या हमने एचपी का ही लेना है। दुकान पे पहुंच गए, दुकान पे आपने जाके कहा लैपटॉप दिखाइए, तो कहेगा जी एक तो ये है, इसमें कॉन्फ़िगरेशन है कोर i3 है, 7th जनरेशन है, इसमें 4 GB रैम है, हार्ड डिस्क कितनी है, या फिर आप ये ले लीजिए 15 इंची स्क्रीन है, कोर i7 है, 7th जनरेशन है, और इसमें आपको 1 TB हार्ड डिस्क मिल जाएगी और आपको इतने में पड़ जाएगा। या फिर आप कहेंगे नहीं, आप ये वाला भी चूज़ कर सकते हैं, ये भी 15 इंची है, ये आपको थोड़ा सा 2,000 रुपये सस्ता पड़ जाएगा, इसमें 4 GB रैम है, प्रोसेसर इसका i5 है, 6th जनरेशन है। तो इस चक्कर में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो और डिसाइड नहीं कर पाते हो कि लैपटॉप कौन सा लें, या फिर आपने ले लिया तो कहीं आपने ये महंगा तो नहीं ले लिया, या फिर इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, क्या इसी प्राइस में इतनी कॉन्फ़िगरेशन मिली हमको, क्या ज़्यादा मिल सकती थी, कि हमको कौन सी कॉन्फ़िगरेशन लेनी चाहिए, हमारे लिए कौन सी बेस्ट रहेंगी, वो सारा जिक्र करेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा। तो दो पॉइंट तो आपके क्लियर हो गए कि आपने अपना बजट तय कर लेना है, कितने तक का आपने लैपटॉप लेना है। उसके बाद आपने कंपनी कोई भी ले सकते हैं, प्राइस 19-20 सेम ही मिलते हैं, डेल लें, एचपी लेना हो, एसर जो भी लेना चाहे वो ले सकते हैं। असली जो पॉइंट आता है तीसरे नंबर पे, कि डिस्प्ले, यानी कि हम जो ले रहे हैं उसका साइज कितना लेना है हमने। ये आपका 10 इंची का, 14 इंची, 15 इंची, या फिर आपका 19 इंची तक का लैपटॉप हो सकता है, साइज़ के अनुसार कि उसका साइज़ कितना है। फिर आ जाता है उसकी क्वालिटी, वो चेक करें। तीन क्वालिटियाँ होती हैं अवेलेबल, एक होता है HD जिसको हम हाई डेफिनेशन है, एक होता है Full HD और एक होता है Ultra HD यानी कि 4K। तो जो नॉर्मल बजट में 30,000 तक की रेंज में जो लैपटॉप आते हैं वो HD में आते हैं। Full HD के लिए आपको और 2-4-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, और Ultra HD थोड़े से कॉस्टली होते हैं। फिर आ जाता है उसके नंबर प्रोसेसर, कि इसके अंदर प्रोसेसर कौन सा है। देखिए, प्रोसेसर को मैं आपके पास डिफाइन कर दूँ पूरी तरह से, प्रोसेसर दो ही ज़्यादा चल रहे हैं, इंटेल का और एक AMD का। इंटेल के प्रोसेसर आपको देखने को मिलेंगे Core i3, Core i5, Core i7, Core i9। इसी प्रकार AMD के भी कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे कि रेजन, रेजन 5, रेजन 5 3600X। और ये Core i3, Core i5 क्या है, कौन सा बेटर रहेगा, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे हमारे पास पहले पेंटियम कंप्यूटर थे, हम उनको छोड़ देते हैं, पेंटियम नहीं आ रहे हैं, हमारे पास कोर प्रोसेसर आ रहे हैं। अब कोई भी आदमी काम करता है, एक को अब मैं काम कर रहा हूँ, कोई भी राइटिंग कर रहा हूँ, और मेरा राइटिंग करने के लिए वहाँ पे मैं एक हाथ से राइट कर रहा हूँ, एक हाथ से मैंने नोटबुक को पकड़े हुए हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा एक प्रोसेसर का काम। अगर वहाँ पर हम करें Core i3, जहाँ पे हमारा हो जाता है ड्यूल कोर, यानी कि डबल हाथ आ जाते हैं। डबल हाथ का मतलब हमने नोटबुक नीचे रख ली और हमारे दोनों हाथों में पेन है, हम दोनों हाथों से काम कर रहे हैं, तो काम थोड़ी सी फास्ट होगा, स्पीड ली होगा। आगे चलते हैं Core i5, वो होता है क्वाड ड्यूल कोर, यानी कि चार हाथ जितना काम एक साथ में करना। इसी प्रकार आप समझ गए होंगे कि मैं क्या डिफाइन करने वाला हूँ Core i3, Core i5, Core i7 के अंतर्गत। यहाँ तक तो हमारा काम हो गया स्पीडली, लेकिन खाली स्पीड यहीं से नहीं मापी जाती है, उसकी स्पीड होती है उसकी गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर, कि ये प्रोसेसर 2.0 GHz का है, 2.5 GHz का है, 3.0 GHz का, या फिर 1.8 GHz का है। जितने गीगाहर्ट्ज़ कम होंगी उतनी उसकी काम करने की स्पीड कम होगी, और जितने गीगाहर्ट्ज़ ज़्यादा होंगी उतनी काम करने की स्पीड ज़्यादा होगी। इसके अलावा प्रोसेसर पे आपने एक चीज़ और देखी होगी कि Core i3 7th जनरेशन, Core i5 7th जनरेशन, या Core i5 8th जनरेशन, Core i5 9th जनरेशन। अब ये जनरेशन क्या है, आप लोग कोई भी बाइक परचेज करते हैं या कोई कार परचेज करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि भाई पिछले साल मॉडल था उसमें ये चीज़ नहीं थी, वो मॉडल इस बार आया तो इसने उसकी हेडलाइटें चेंज कर दी, या उसमें गियर बक्सा ऑटोमेटिक लगा दिया, या इंजन में कुछ ऐसा खास लगा दिया, वो थोड़ी सी स्मूथ चलेगी। यानी कि हर मॉडल के साथ उसको एक मॉडल नंबर दे दिया जाता है। इसी तरह से प्रोसेसर में भी, अगर आपने Core i5 प्रोसेसर लिया है और वहाँ पे आप देख रहे हैं 6th जनरेशन का, 7th जनरेशन का, 8th जनरेशन का, जैसे जैसे कुछ कमी रह गई है, उन कमियों को पूरा करने के बाद जो नया वर्जन लॉन्च होता है
वो जनरेशन में काउंट कर देते हैं उसको। तो प्रोसेसर जितनी नई जनरेशन का होगा उसका काम उतना ही अच्छा होगा, उतना ही सफाई से होगा। एक कोर i5 से हमारा 6th जनरेशन का और एक कोर i5 हमारा 9th जनरेशन का, तो दोनों की काम करने की क्षमता में फर्क नजर आएगा। तो यहाँ पे आप जो वाला प्रोसेसर चुनते हैं, कोर i3 चुनते हैं तो थोड़ा सा रेट में डाउन पड़ता है, या कोर i5 7 9 जैसे आप चलते चले जाएंगे उसके प्राइस में भी थोड़ी सी बढ़ोतरी होती चली जाएगी। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं हम रैम की। अब हमारे लैपटॉप में रैम कितनी होनी चाहिए? देखिए, यदि आपने कोर i3 तक का अगर परचेज किया है अपना लैपटॉप, तो उसके अंदर रैम आपको 4 GB मिलेगी। कोर i5, कोर i7 या खरीदते हैं तो आपको रैम 8 GB तक मिल जाएगी, और 7 और 9 अबव पे चले जाते हैं तो आपको रैम 16 GB मिलेगी। रैम का क्या काम होता है कि हम जितना काम करते हैं, हमारी एप्लीकेशन का काम, कि हम कितनी सारी एप्लीकेशन एक साथ चला सकते हैं या कितनी हैवी एप्लीकेशन हम चला सकते हैं। यदि आपका काम नॉर्मल का है, थोड़ा सा इंटरनेट का है, थोड़ा सा एडिटिंग का काम है, तो आप कोर i3 4 GB रैम से भी काम चला सकते हैं। और यदि आपका काम हैवी गेमिंग का है, आप हैवी गेमिंग करते हैं या फिर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं, काफ़ी बड़े लेवल पे वीडियो एडिटिंग करते हैं, तो आपको वहाँ पे रैम भी ज़्यादा चाहिएगी और प्रोसेसर भी ज़्यादा चाहिएगा, तो उसके लिए आपको ज़्यादा कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो ये तय कर लेना है कि आपका काम किस प्रकार का है, आपको किस पर्पज़ के लिए लैपटॉप खरीदना है। नेक्स्ट आता है ग्राफिक्स। ग्राफिक्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स और एक तो होता है डेडिकेटेड ग्राफिक्स। डेडिकेटेड ग्राफिक्स 3 पार्ट्स में पड़ जाता है, PCI, AGP और PCI Express के अंदर। अब ग्राफिक्स का काम क्या होता है? हमारा जितना भी विजुअलाइजेशन होता है, हम कोई चीज़ देख रहे हैं, कोई हमारे पास पिक्चर चल रही है, कोई गेम चल रहा है, जो विजुअलाइजेशन है उसको दिखाने का काम होता है ग्राफिक्स का। और ग्राफिक्स जितने अच्छे होंगे उतना ही हमारा विजन अच्छा दिखाई देगा। अब दोनों ग्राफिक्स में फ़र्क क्या है? इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स, जिस कंप्यूटर में अगर वहाँ पे लिखा हुआ है आप ले रहे इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स वाला लैपटॉप, तो आपका जो ग्राफिक्स है वो रैम को कंज्यूम करेगा, यानी कि वो आपकी रैम को कवर करेगा। और जहाँ तक बात करें हम डेडिकेटेड ग्राफिक्स की, ये एक्स्ट्रा डलता है, ये रैम को इग्नोर कर देता है, रैम से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। ये आप अपनी क्वालिटी के हिसाब से, कि आपका जैसा काम है, जितना हैवी काम है, उस हिसाब से आप 1 GB, 2 GB या 4 GB का ग्राफिक्स कार्ड अपने PC में डलवा सकते हैं, या फिर उतने GB का लैपटॉप ले सकते हैं। नेक्स्ट जो स्पेसिफिकेशन है वो है मेमोरी के लेकर। जिस प्रकार फ़ोन के अंदर मेमोरी होती है, कि उसकी रैम और रोम, जो रोम मेमोरी होती है वो कितनी है, 28 MGB की है या 64 GB की है, 128 GB की है, ओनली 16 GB की है, तो इस मेमोरी के ऊपर भी, इसके आधार पे भी उसकी कीमत डिपेंड करती है। अगर आपने 30,000 से 35,000 तक की रेंज का लैपटॉप लेना है कोर i3 या कोर i5 में, तो आपको वहाँ पे मिलेगी हार्ड डिस्क, जिसको हम HDD बोलते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव। और एक होता है SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये थोड़ी सी कॉस्टली होती हैं, SSD वाले लैपटॉप कीमत में ज़्यादा होते हैं। दोनों का फ़र्क ये होता है कि जो हार्ड डिस्क होती है उसकी रीड राइट क्षमता थोड़ी सी स्लो होती है, और जबकि SSD है उसकी रीड राइट की स्पीड काफ़ी फास्ट होती है। अब अंत में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, कि आपको ये भी बताया जाता है कि इसमें विंडोज 7 है, इसमें विंडोज 8 है, या फिर ये डॉस बेस है, इसके अंदर डॉस है। तो डॉस के अंदर आप देखोगे सारा काम हमारा कमांड्स के थ्रू होता है। अगर आप कमांड चला के काम करना चाहते हैं तो डॉस सिस्टम ले सकते हैं, या फिर आप ग्राफिकली देखना चाहते हैं, किसी आइकन पे क्लिक किया, एप्लीकेशन के क्लिक किया, या फिर आप विंडोज़ देख रहे हैं, कोई वीडियोस वगैरह इस तरह के, तो आप विंडोज सिस्टम परचेज करें। विंडोज सिस्टम कीमत में थोड़े से ज़्यादा होते हैं और डॉस सिस्टम की कीमत हल्की सी कम होती है। बाद में आप डॉस सिस्टम वाले में भी विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हैं एक्स्ट्रा से, और उसमें भी आप विंडो चला सकते हैं। तो जितनी भी स्पेसिफिकेशन थी, जो अक्सर फेस होती है सामने, ये सारी मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब आप अपने हिसाब से अपने लिए एक अच्छा लैपटॉप चूज कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताइए, और इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।